क्लास 11th के टीएस ग्रेवाल बुक से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, अनसॉल्व्ड वाला। सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है विद जीएसटी एंट्री। ये एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके बीच में कई सारे ट्रिकी एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। एक बार अगर आप उनको क्लियर कर लेते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि जब आप आगे के क्वेश्चन बनाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन है। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000 150 बाई टेकिंग अ लोन फ्रॉम अलाहाबाद बैंक। अब ये लोन की एंट्री जो है ये बैंक कॉलम में है, तो हमें इसको कैश बुक में, जबकि सिंगल कॉलम है तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, हमने टू कैपिटल बोल करके डेबिट साइड में लिख दिया 60,000। 4 अप्रैल को ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, कंप्यूटर 16,000 का, फर्नीचर 18,500 का, मशीन 32,000 का, और ये सारे में CGST और SGST लग रहा है 6% का। लेकिन इसके साथ में क्या है कि पेड बाय चेक, ये सारा अमाउंट जो है आप चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो यहाँ तो हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं जिसमें सिर्फ कैश की एंट्री है, यानी ये ट्रांजेक्शन हमारे अभी के कैश बुक में जाने की इसको जरूरत नहीं है। 6 अप्रैल को ट्रांजेक्शन क्या है, 40,000 का सामान खरीद रहा है, CGST और SGST 6% दे रहा है, भूषण अमृतसर से, हाफ द वैल्यू पेड इन कैश। जो बिजनेसमैन है वो भी अमृतसर का ही है, इसलिए IGST नहीं लगेगा, यहाँ CGST और SGST का ही हिसाब होगा। तो आइए सबसे पहले इसके कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। मैंने वर्किंग नोट लिया है, प्राइस है 40,000, अगर इनपुट CGST देखें तो उसका 6% 2,400 होता है, इनपुट SGST 6% 2,400 होता है, ये सारा वैल्यू जोड़ करके 44,800 होता है। आप हाफ पेमेंट कर रहे हैं यानी 22,400 पेमेंट कर रहे हैं। सामान का दाम 20,000, 2,400 का आधा 1,200 और इस 2,400 का आधा 1,200 परचेज हो रहा है। क्रेडिट साइड में बाय परचेज गुड्स की वैल्यू मैंने 20,000 लिख दी, बाय इनपुट CGST 1,200, बाय इनपुट SGST 1,200। तो इस तरीके से हमने अप्रैल 6 की एंट्री कर ली। अप्रैल 8 में क्या हो रहा है, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन को इंस्टॉल करने में 4,000 आप दे रहे हैं। जर्नल क्या होगा, इंस्टॉलेशन अकाउंट डीआर टू कैश या मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश, इंस्टॉलेशन चार्ज ऐसे ही लिखते हैं। तो कैश में, कैश बुक में बाय वेजेस बोल करके लिख दिया 4,000 रुपीज, या बाय इंस्टॉलेशन चार्ज भी लिख सकते हैं। अप्रैल 12 की क्या एंट्री है, कंप्यूटर रिपेयर चार्ज दे रहे हैं आप 1900, CGST और SGST दोनों 6% है, 6% ईच। वर्किंग देख लीजिए, रिपेयर चार्ज 1900, इसका 6% होता है 114, SGST 6% 114, मैंने लिख दिया बाय रिपेयर 1900, इनपुट CGST 114, इनपुट SGST 114। अप्रैल 15 को काफी सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वेजेस दे रहा है 15,000 का, पोस्टेज स्टैम्प परचेज हो रहा है 150 रुपीज का, और स्टेशनरी खरीद रहा है 2,700 का, साथ में CGST और SGST है 6%। वेजेस में CGST SGST नहीं लगा है, स्टैम्प में नहीं लगा, सिर्फ स्टेशनरी जो परचेस किया है उसमें। वेजेस की एंट्री कर लेते हैं, बाय वेजेस 15,000, पोस्टेज स्टैम्प की परचेस जो हुई है उसकी एंट्री कर लेते हैं बाय पोस्टेज स्टैम्प 150, स्टेशनरी 2,700 का है, इनपुट CGST 162 है, इनपुट SGST 162 है। अब यहां पर ये एक बहुत ही मजेदार ट्रांजेक्शन है, सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड परचेस फ्रॉम भूषण टू अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट 5%, चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। आपने जो ऊपर में सामान खरीदा था 40,000 रुपए का, उसका आधा आप बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं उस पर 25% आपने प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, वो प्रॉफिट मार्जिन लगाने के बाद आप क्या करते हैं, 5% ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, और जो सामान का दाम आता है उस पर आप CGST और SGST लगाते हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी कैलकुलेशन था,
आइए इसको समझते हैं कि इसमें क्या किया गया है। हाफ द प्राइस ऑफ गुड, 40,000 का हाफ 20,000, आपको 25% प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो 20,000 का 25% 5,000 आपने ऐड कर दिया, 25,000, 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है, 25,000 का 5% निकाल लिए 1,250, इसमें से माइनस कर लीजिए 23,750। अब इसमें 6% के हिसाब से आप CGST लगा दीजिए और SGST लगा दीजिए, 23,750 का 6% 1,425 और फिर 6% SGST 1,425। तो ये तो कैलकुलेशन था, आई एंट्री कैसे हुई है कैशबुक में उसको देखते हैं। अप्रैल 19 को आपने सेल्स किया, सेल्स की वैल्यू है 23,750, आउटपुट CGST 1,450, आउटपुट SGST 1,450। अप्रैल 24 में क्या हो रहा है, आप कारपेंटर को अपने पर्सनल फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए 350 रुपीज दे रहे हैं। पर्सनल फर्नीचर रिपेयर हो रहा है तो ये क्या है, एक तरीके का ड्राइंग है। आप अप्रैल 24 को लिख दीजिए बाय ड्राइंग अकाउंट 350 रुपीज। अप्रैल 26 को क्या हो रहा है, पेड फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ वाइफ 1800, जो बिजनेस मैन है वो अपने वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर रहा है 1800, ये भी इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ड्रॉइंग, ये भी ड्रॉइंग है, बाय ड्रॉइंग 1800। लास्ट पार्ट में क्या है, अप्रैल 30 को आप शॉप रेंट दे रहे हैं 2000 अलॉन्ग विद CGST एंड SGST 6%, बाय रेंट 2000, 6% इसका कितना हो जाएगा 120 और SGST भी कितना हो जाएगा 120। अब जब सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए हैं तो हमने क्या किया, इस इन सारे को ऐड कर लिया, ऐड करके आया 86,650 और 86,650 यहाँ लिख दिया और यहां से ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन का समेशन, यहां से ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन का समेशन माइनस कर दिया तो क्या हो गया, आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया बाय बैलेंस CD 35,528। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसको अगले महीने ब्रॉड फॉरवर्ड करके लिख देंगे 1 मई को। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि सिंगल कॉलम कैश बुक में जबकि GST के एस्पेक्ट्स लगेंगे तो हम क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डबल कॉलम कैश बुक लेकर के आएंगे जिसमें कैश, बैंक और सारे ट्रांजेक्शन होंगे। थैंक यू।